प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं तहरीक पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार, और बहुत सी ख़वातीन भी हमें ज्वाइन कर रही हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर वेलकम करना चाहूँगी ज़ाहरा अशरफ साहिबा को। आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। आप पंजाब की चीफ फॉर्मर आर्किटेक्ट रह चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पैनल पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें वो भी जानने का अभी मौका मिलेगा। और उस हम बात कर रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पे, और आप बात कर रही थी ब्रेक पे जाने से पहले एजुकेशन और सोशल मीडिया का जो रोल है, जो हमारी माइंड सेटिंग में है, जो हमारी डेवलपमेंट में है, वो कहाँ से, उसका किस तरह से अगर आज यूथ पॉजिटिव किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल तो अब सभी कर रहे हैं। फैसला देखिए कि कौमों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी तामीर के लिए, उनके इस्तेहकाम के लिए जो बेसिक टूल है वो तो एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन का ताल्लुक अब सिर्फ फॉर्मल स्कूल से नहीं रह गया, फॉर्मल स्कूल से एजुकेशन के जो दूसरे टूल्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप घर बैठे, आप किसी जगह किसी मकाम पर, आपके हाथ में जो गैजेट है, आप उससे जो कुछ स्क्रोल करते हैं, देखते हैं, आपकी माइंड सेटिंग तो वहाँ से होती है। आपका बच्चा जो है और आपकी यूथ जो है, उनका ब्रेन तो वहाँ से चेंज होता है। आप ये देखिए कि जो कुछ आज हमारे बच्चे को दिखाया जा रहा है, जो कुछ नेटफ्लिक्स से, मुख्तलिफ और सोर्सेज से जो कुछ उसके अंदर जा रहा है, आपके घरों में रहने वाले बच्चे अचानक आपको पता चलता है वो आपकी बात नहीं समझते, आप बोलते हैं उस पर असर नहीं होता, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया। और यही चीज़ हमारे टीनेजर्स और हमारी यूथ के साथ है। आप अभी होने वाले इस हादसे को देख लीजिए, मैं बरज़ख़ के हवाले से खुसूसी तौर पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये सब के लिए क्वेश्चन मार्क तो है। मैं यानी ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा फील होता है कि हमें मुतासब हुए बग़ैर इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। क्या वो मेरा बच्चा नहीं है? ये इस कौम का बच्चा है ना, इस कौम के बच्चों ने ये सब सिलसिला आगे मिलके बनाया। पीछे देखें तो सही, उसका माइंडसेट कहाँ से चेंज हुआ? वो कौन से इदारे हैं जहाँ तालीम दी गई? उन इदारों में क्या चीज़ है जो पढ़ाई जाती है? ऐसा क्यों है कि सारी मूवमेंट्स जो हैं मखसूस इदारों के साथ मुतालिक हैं? वो जो सारी मूवमेंट्स हमारी आइडियोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं, फिर यानी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी किस्म का कोई यानी कोई तहकीक नहीं। आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, आप एक दूसरे के हालातों वाकियात ही जानते रहेंगे, अब अपनी नस्लों के बारे में फिक्र नहीं करेंगे। आपके टीवी चैनल हो, सोशल मीडियम्स हो, वो सारी पाबंदी इस्लाम के बारे में है। जी बिल्कुल। आपका बच्चा तो कहता है मैं आज़ाद हूँ, मुझे तो जो सोचना है मैं सोचूंगा, जो मुझे कहना है मैं कहूँगा, जो मुझे बनाना है मैं बनाऊँगा, दिखाऊँगा, और जिधर चाहूँगा जनरेशन्स को ले जाऊँगा। तो अब देखें कि यानी सोच कहाँ की है, इम्पोर्टेंट है ना, कोई ड्रामा बन के कहाँ से आया, और कोई ड्रामा जो है वो यानी किन लोगों के दरमियान उसे रखा गया। अगर आप उन बच्चों को देखेंगे जो सारे इस सिलसिले में शरीक हैं, तो आपको महसूस होगा वो हमारे घरों के बच्चे हैं भाई, वो हमारे बच्चे हैं, और हमारे बच्चों ने यानी आज वो यानी मैं ये फील करती हूँ कि आज वो इस पोजीशन में है कि वो सोचते हैं कि हमें कैसे यूज़ कर लिया गया, हमें कैसे इस मकाम तक पहुँचाया गया। काश हम उस वक्त ये बात कर लेते, काश ऐसा हो जाता कि हम उस वक्त पे इन सारी चीज़ों से रुक जाते। क्यों नहीं एजुकेट किया हमने अपने बच्चों को, और वो कौन से इदारे हैं? हमने ऐसे इदारों से एजुकेट होने क्यों दिया? जब मैं ये कहती हूँ कि वो अगर नज़रियाती तौर पर क्लैश है और उन इदारों के तवस्सुत से ये काम हो रहा है, तो उन इदारों के बारे में कोशिश क्यों नहीं होते?
उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं? बरज़ख था जो सामने आ गया और ऐसी बहुत सारी चीजें। मैं ये समझती हूँ कि ये बरज़ख नहीं है, बेसिकली हमारी जनरेशन की सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मैं इसको किसी खास पर्सपेक्टिव में नहीं कह रही। असल में बरज़ख तो ये यानी जिंदगी और इस जिंदगी और दूसरी जिंदगी के दरमियान का वक्फा है ना। तो बेसिकली इस्लाम और नॉन इस्लाम के दरमियान का एक वक्फा है जिससे हमारी जनरेशन गुजर रही है, जो हैरान परेशान है। तो हमें ये ज़रूर देखना है कि हमारी नस्लें जो हैं वो, मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर इस बारे में सोचें कि हमारा ये बच्चा जो है वो इस नौबत तक कैसे पहुँचा। वो कीमती इंसान है। रसूलल्लाह तो दुआ करते थे अबू जहल के लिए भी कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे या उमर इब्ने ख़त्ताब को हिदायत दे दे, यानी इन दो में से किसी एक को ज़रूर इस्लाम का खिदमतगार बनाते। रियली मैं तो दुआ करती हूँ कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स में हमारे ये बच्चे जो कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहते हैं, या अल्लाह इनसे दीन की खिदमत ले लें, या अल्लाह इन्हें हिदायत के रास्ते पे लगा दें, या अल्लाह इन्हें अपनी आइडियोलॉजी की पहचान करा दें। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारी रियासत भी, रियासती इदारे भी, हमारे मीडिया, हमारे सोशल मीडियम्स पर जो कुछ जा रहा है, हम इस हवाले से तो शायद हमारी गवर्नमेंट भी एक्शन लेना चाहती है कि सियासी तौर पर लोग एक दूसरे की किरदार कुशी ना करें। क्या इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान बसते हैं? क्या इस मुल्क में सिर्फ जो 3-4 इदारे जिन पर रियासत बेस करती है वही इदारे जो हैं वो हैसियत रखते हैं? अपनी नस्लों के बारे में सोचें, नस्लें किधर जा रही हैं, क्योंकि इन नस्लों ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करनी है। लेकिन ये ट्रू है कि इन इदारों की तथहीर होना भी अपनी जगह पर ज़रूरी है इस्तेहकाम है पाकिस्तान के लिए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमें हर वो तरीक़ाकार जिससे हम अपनी नस्लों को बचा सकें और अपनी नस्लों को एक राइट पाथ तक ड्रैग करके ला सकें, हमें ज़रूर इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल। और तनकीद और इसके ऊपर रिएक्शन सब अपनी जगह पर एक हैसियत रखते हैं। नेचुरली जब कोई अपने नज़रिए पर हरफ आते देखता है और इस तरह से अपनी नस्लों के तवस्त से, तो नस्लें बचाने के लिए जो लोग दौड़ते हैं उन्हें कोई फनेटिक कहे, उन्हें कोई कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि ये ज़िंदा होने का सबूत है। ये ज़िंदा होने का सबूत है। और इसी ने उन लोगों को भी एहसास दिलाया है, चाहे वो आज किसी भी पोजिशन में, लेकिन उनको भी एहसास दिलाया कि नहीं, हमसे कुछ गलती हुई है। तो चीज़ों को जो है वो गैर जानबदार होकर नहीं चीज़ों से गुजरना चाहिए। तो हमें बहरहाल आइंदा आने वाली नस्लों के लिए मिलके कुछ कोशिश करनी है, और सिर्फ रियासत ने कोशिश नहीं करनी कि रियासती इदारे ही कोशिश करें। हर फर्द जिम्मेदार है। कुल हुकुमराइन व कुल हुकुम मसूलुन रायत ही। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। ज़ारा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, हमें एक लंबी स्ट्रगल मिलती है और आपने बहुत सारे वाक़यात अपनी वालदा के थ्रू भी सुन रखे हैं, वालिद के थ्रू भी, फिर पाकिस्तान में और पंजाब में खसूस तौर पे एक अहम किरदार अदा किया आपने ख़ुद भी, आपके वालिदैन ने भी। तो मैं ज़रूर आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं शुरू करती हूँ। अम्मा भी जिनको हम जानते हैं, जो अली बरादरान की वालिदा हैं, उनका अपना नाम आबिदी बानो है, और वो सबसे पहली मुस्लिम खातून थीं जिन्होंने इस दर्द को महसूस किया जो उस वक्त जिस कर्ब से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन की, अम्मा बी ने, और पहले खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन की। उनके अपने दोनों बेटे जो अली बरादरान हैं वो तो खिलाफत मूवमेंट के बानी भी थे, और फिर बाद में उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन की। तो हमें पता चलता है, और ये वाकया है जी वर्ल्ड वॉर वन के करीब का, 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, तो 1915 में अम्मा भी ने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म लिया और उन्होंने फिर पॉलिटिकल जद्दोजहद शुरू की। तो इसके अलावा फिर मैं जिक्र करना चाहूँगी बेगम जहानारा शाहनवाज़ का, जो सर शफ़ी की बेटी थी। तो उनको तो ग्रूमिंग, अम्मा बी ने तो सेल्फ ग्रूम्ड थी पॉलिटिक्स में जो आई, लेकिन सर शफ़ी की जो बेटी थी उनकी ग्रूमिंग उनके वालिद ने की, सर मोहम्मद शफ़ी।
लाहौर की बहुत ही बाइज्जत फैमिली से उनका ताल्लुक था, और उनके भाई जस्टिस शाहदीन पहले मुस्लिम जज थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इनकी ग्रूमिंग इनके वालिदैन ने की। मैं आपको इसलिए इन दोनों का जिक्र कर रही हूँ कि सेल्फ ग्रूमिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आपके वालिदैन ही आपकी ग्रूमिंग करें। वो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे देते हैं, आप खुद दर्दमंद दिल रखते हैं, दर्दमंद सोच रखते हैं, तो सेल्फ़ ग्रूमिंग भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप लीडर ही ढूँढें। एनीवे, तो बेगम जहानारा शाहनवाज, इनकी ग्रूमिंग तो इनके वालिद ने की, और इनकी वालिदा अमीर मुसा बेगम, वो भी बहुत पाए की सोशल वर्कर और पॉलिटिशन थी। तो बेगम जहानारा शाहनवाज के बारे में ये है कि इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, और जो सेपरेशन थ्योरी थी उसको इन्होंने ऑल इंडिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में प्रेजेंट किया। यानी इस कदर वो कॉन्फिडेंट और इस कदर वो डेडिकेटेड थी। तो इसके अलावा फिर 1930s में अवाइल में इनके वालिद फौत हो जाते हैं, तो इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट ख़त्म हो जाती है, और इनके अपने हस्बैंड मियां शाहनवाज बहुत बीमार थे, इनके बच्चे भी छोटे थे, लेकिन इन्होंने पीछे नहीं हटी। तो फिर ये मुस्तकिल काम करती रही फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और बहुत आला किरदार अदा किया। एक और खातून जिनका नाम हम कम सुनते हैं, उनका नाम है नूरुस्सुबह। ये रामपुर इस्टेट में बड़ी प्रिंसली फैमिली में पैदा हुई थी, और बड़ी एरिस्टोक्रेटिक और शाहाना लाइफ लीड करती थी, लेकिन जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ज्वाइन की तो उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया और कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये पर्सनली लॉर्ड माउंटबेटन जो कि वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के, उनसे मिली और टू नेशन थ्योरी उनको प्रेजेंट की। एक डेलीगेशन के साथ गई, इनके साथ और ख्वातीन भी थीं, तो उनको टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की। ब्रेक लेना होगा जी। समीरा रहील काजी साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इंशाल्लाह अभी उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कैसी हैं जी आप? खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी मुबारक। डॉक्टर साहब आप बहुत ही हम आपकी यहाँ कमी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हो गया कि आप लाइन पर हैं और कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तानी यूथ का सवाल है कि पाकिस्तान का क़याम क्यों ज़रूरी था, इस मुल्क ने आखिर हमें दिया क्या? मैं समझती हूँ कि आजकल के जो मोदी की इंडिया के हालात देखकर तो कोई भी ये सवाल नहीं करता। सब लोग इस बात पर बहुत खुश हैं और अपने बुजुर्गों के लिए बड़े दुआगो हैं कि उन्होंने हमें एक आज़ाद वतन दिया जिसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी जीते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत ज़ार है और वहाँ पर जो मजालिम उनको सहने पड़ते हैं, तो वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। वो तो जब भी वहाँ पर फसादात होते हैं तो मुझे अपने बुजुर्ग याद आते हैं और उनके लिए दिल से दुआ निकलती है कि उन्होंने आग और खून के दरिया उबूर करके तो हमारे लिए ये आज़ाद वतन हमें मुहैया किया जिसमें हम फर्स्ट क्लास सिटीजन के तौर पर हम रहते हैं और अपनी उमंगों और अपनी आरजुओं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। हमें किसी और कौम की गुलामी नहीं करनी पड़ती, हमें किसी और का थ्रेट नहीं होता, हमारी अपनी फिजाएं हैं और हमारी अपनी मिट्टी है और हमारी अपने नजरिया है जिसकी वजह से हम इसमें सांस लेते हैं। और जो दो कौमी नजरिया है जिसको अल्लामा इकबाल और कायद आजम ने यानी परवान चढ़ाया कि हम बिल्कुल दो मुख्तलिफ कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान बिल्कुल दो मुख्तलिफ कौमें हैं और हम बतौर इंसान हम अपने जो मुल्क में हमारी अकलियती बिरादरी रहती है वो चाहे हिंदू है, ईसाई है, सिख है, वो हमारी सर आंखों पर जो भी हमारे साथ मोहब्बत के साथ रहना चाहता है हम भी उनके साथ उसी तरह से मोहब्बत का सुलूक करते हैं। लेकिन जो इंडिया में मुसलमानों के साथ जो सुलूक करते हैं या जो और भी अकलियतों के साथ वहां पर सुलूक किया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरत थी
और हम बहुत अल्लाह के शुक्र गुजार है, अपने बुजुर्गों के शुक्र गुजार है कि उन्होंने हमें एक आज़ाद खित्ते ज़मीन से नवाजा। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। वाकई इन चीज़ों की रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है और आपने बहुत आसान जवाब दिया। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक एक बड़े हलके से है माशाल्लाह, बहुत सारी लोग आपको फॉलो करते हैं, खुसूसन ख़वातीन। ख़वातीन का क्या किरदार समझती हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए? किस तरह आज की खातून ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकती है? देखिए, हमारे सामने तो ख्वातीन का किरदार आता है ना, मोहतरमा फातिमा जना का किरदार भी सामने आता है कि उन्होंने किस तरह शाना बशाना अपने भाई के साथ वो सारी तहरीक चलाई। फिर हमें एक आपस ही, मेरी अम्मी की बड़ी अच्छी दोस्त थी बेगम अमीना गनी घुमन, और वो इधर यानी एजुकेशन के महकमे में बहुत ज्यादा बड़े ओहदे पर फायज थी। जिस वक्त पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी वो एजुकेशन के ओहदे पर फायज थी, और वो बताया करती थी कि किस तरह औरतों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, अपनी इज्जतों की कुर्बानियां दी, कितनी हमारी बच्चियां वहां पर हिंदुओं के साथ सिखों के साथ रह गई, कितने यहाँ पर यानी उनकी हिंदू बच्चियां और सिख बच्चियां यहाँ पर उनके साथ थी। फिर वो खुद उनका तबादला करती थी और कहती थी मैं खुद जाती थी फिर, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे ख्वातीन ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आज हमारे लिए, किसी भी कौम के लिए तरक्की का राज नहीं है कि उसके मर्दों के साथ साथ उसकी ख्वातीन भी उतनी ज्यादा जाफेशानी के साथ उस कौम की तरक्की में किरदार अदा करें, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो बुनियादी जितनी भी इंसानी हुकूक के, उनमें जितना ज्यादा औरत काम करेगी। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज्यादा हमें 14 अगस्त हमें ये याद दिलाते हैं कि एक माँ की गोद ही सबसे पहली दरगाह होती है। हाँ, अपनी आज़ादी की हिफाजत अपनी नई नस्लों तक पहुँचाएं कि हमने, हमें कितनी बड़ी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क मिला, और इस कुर्बानियों को हम याद रखें और इसका तस्करा करते रहें। इसलिए कि आप देखते हैं कि कश्मीर को देख लें, फलस्तीन को देख लें, वो अपनी आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत पे कर रहे हैं। तो हमें, हमारे बुजुर्गों ने ये बड़ी कुर्बानियां दी हैं और उसमें ख्वातीन ने भी उतने किरदार अदा किए। हमें भी अपनी नई नस्ल को ये पैगाम पहुँचाने कि इस आज़ादी की हिफाजत करनी है और इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, ताकि हम जो तहरीक पाकिस्तान के मकासद थे उसको आगे की तरफ लेकर जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपके वैल्यूएबल इनपुट का अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ख़ास नसीहत जो, एक तो ये आज़ादी की हिफाजत के हवाले से आपने बहुत आसान बात की, और वाकई हम अगर अपने इर्द गिर्द के हालात को देखें, अगर हम अपने बुज़ुर्गों की एफर्ट को भूल भी गए हैं, तो जो आज गज़ा में और जो आज कश्मीर में और बहुत से ऐसे ममालिक में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। कोई 3-4 रास्ते ऐसे ज़रूर बताएं, मैं समझती हूँ कि जिसके ऊपर चल के आज हमारी बच्चियाँ ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकें। देखिए, बच्चियों के लिए सबसे पहली नसीहत तो ये है कि वो ना इल्म हासिल करें। एजुकेशन उनके लिए बहुत बड़ी एक ताकत है और एक कुव्वत है जो कि इंसान को बहुत ज्यादा, और स्किल्ड एजुकेशन, कोई एक ऐसा हुनर कि आप अपने घर को भी और अपने मुल्क को भी और अपने मुआशरे को भी तरक्की दे सकें। दूसरी चीज के एक मजबूत खानदान बनाएं। खानदान से मुराद आपके शोहर, आपके बाप, आपके बच्चे, आपकी भाई, आपकी फैमिली। ये जो खानदान में कहते हैं स्ट्रॉन्ग फैमिलीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन, और औरत जो है वो मरकज मोहब्बत है खानदान का और इस बुनियादी यूनिट का, मुआशरे का। तो हमारी, मेरी दूसरी बड़ी नसीहत है कि औरत को और आज की बच्चियों को अपनी फैमिली को और अपने खानदान में आगे बढ़ना चाहिए। वो जितना ज्यादा अपने खानदान में आगे बढ़ती है उतने ही वो महफूज भी रहती है और उतने ही ज्यादा वो आगे भी बढ़ती है। तीसरी बात कि वो अपने मुआशरे में अपने आप को खबर रखे, अपने यानी एक दूसरे के साथ कंसर्न रखे, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रखे। दुश्मन हमें तकसीम करने की जो साजिश कर रहे हैं, हमें औरत को ताल्लुकात निभाने आते हैं, रिश्ते निभाने आते हैं, तो हमें मुल्क में इत्तेहाद और यगानगत की फजा के लिए औरत को बड़ा भरपूर काम करना होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत जरूरी हैं कि हम
औरतें जो हैं वो अपने माशरे की तरक्की में आगे किरदार अदा करें। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, मैं आपके वक्त देने का और आपके इतनी वैल्यूबल इनपुट देने पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जी। अल्लाह ताला आपकी तमाम काविशों को कबूल करे और हम सब से कोई ऐसा काम ले लें कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर पेश हों तो इंशाल्लाह सुरखरू हों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अस्सलाम जी। उस्ताज़ा हम बात कर रहे थे अभी फ्रीडम फाइटर्स के हवाले से भी, फिर समिया साहिबा ने भी बड़ा अच्छा इनपुट दिया। ज़रा जी मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहती हूँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या किरदार हो सकता है? एक दफ़ा फिर सवाल, क्या ऐसी चीज़ें हों जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं? अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी जो सुना के लोग पूछते हैं, यूथ पूछता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया जी, तो हम ये सवाल भी तो कर सकते हैं कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया जी। असल सवाल तुमने ये चाहिए जी। अगर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आप हमारे बहुत सारे सूबों में देखें, इस बात को बहुत हवा दी जाती है जो कि खुशाइंद नहीं है, ना मैं उनका तस्करा करना चाहती हूँ, लेकिन बहरहाल एक सोच को मुसलसल बहुत सारे लोगों के अंदर डाला जाता है कि पाकिस्तान बनाने का आखिर मकसद क्या था, जो कि हमने शुरू में भी इसको एड्रेस किया और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अपनी कुर्बानियों को और ये जो कंपैरिजन डॉक्टर साहब ने भी अभी दिया कि आज आप इंडिया में मुसलमानों की सूरत हाल को देखें, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक ऐसी आज़ाद इन्वायरमेंट में है कि जहाँ पर हम जो अपना दीन चाहें, जो अपनी वैल्यूज़ को जो कर रहे हैं फॉलो वो कर सकते हैं। मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए खुसूसी तौर पर क्या ख़वातीन कर सकती हैं? हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में जैसे आजकल एक अच्छी मूवमेंट चली हुई है कि पाकिस्तान के लिए हम दरख्त लगाएं जी, तो वो एक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी के दो और पिलर्स हैं जिसको हम सोशल सस्टेनेबिलिटी कहते हैं और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, लेकिन मैं इसमें एक और पिलर ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, और वो आई थिंक शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर है, वो है जी रिलीजियस सस्टेनेबिलिटी। अगर हम अपने रिलीजन को, दीन इस्लाम को समझ लें, उस पे गौर व फिक्र करें, तो जितनी ये सस्टेनेबिलिटी की आजकल पूरी दुनिया में ज़रूरत महसूस की जा रही हो तो सारी हमारे रिलीजन में है। डॉक्टर आइन तो वहीं से लेना ना जी। एब्सोल्युटली, तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी में रिलीजियस सस्टेनेबिलिटी को भी ऐड कर लें और यूथ इस तरफ आए, यूथ किस तरह से आएगा? यूथ इज़ वेरी क्लेवर, हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। यूथ का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और हम जब तालीम की बात करते हैं तो हम उसमें एक्सपोजर का जिक्र नहीं करते, वो भी हमें करना चाहिए कि तालीम के साथ साथ एक्सपोजर भी बहुत बुनियादी ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एनीवे यूथ पे आते हैं, वो ऑलरेडी बहुत वेल अवेयर है और अपने लिए वो ख़ुद रास्ते तलाश करता है, तो हमें उन्हें सस्टेनेबिलिटी की पहचान करानी पड़ेगी। वो ख़ुद भी जानते हैं लेकिन हमें पहचान करानी पड़ेगी, और उस सस्टेनेबिलिटी की पैकेजिंग हमें एक अट्रैक्टिव तरीके से करनी पड़ेगी, बिकॉज़ आजकल हर चीज़ की पैकेजिंग इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ आएँ तो फिर मटेरियलिज्म जो है वो कम हो जाता है, उसमें से हम निकल सकते हैं आसानी से। बट बात वही आती है कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ना कि हम पूछें कि दूसरे क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे भी हदीस के मुताबिक ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो इस तरह से हम एक अच्छे पैकेजिंग के साथ यूथ को इस तरफ ला सकते हैं। यूथ आफ्टर ऑल एक बहुत बड़ी सरमाया भी है, पावर भी है, और जैसे पहले भी बात हो रही थी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, हीरोज़ हैं, उनको रीड भी किया, जैसे जैसे मैं बात कर रही थी इनकी बेगम जहानारा शाहनवाज़ की, तो इन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी है, फादर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी। अगर वही पढ़ लें या कुछ वर्कशॉप्स में वो बुक्स इनको उससे इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, बहुत सारे फोरम्स हो सकते हैं। और एक फन फोरम तो ये है कि दो म्यूजियम्स हैं लाहौर में, एक है जी द म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, ये ग्रेटर इकबाल पार्क में है, सही। और बहुत उमदा तरीके से ये पाकिस्तान की नेशनल हिस्ट्री बताते हैं, उसमें होलोग्राम्स भी हैं, उसमें सिमुलेशंस भी हैं,
उसमें जैसे एक ट्रेन कंपार्टमेंट है जिसमें पूरी सिमुलेशन की गई है कि जब बोगीज किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई थी, जाने किस तरह से डिस्ट्रॉय की गई थी, तो वो बहुत इंस्पिरेशनल है। मेरे अपने ख्याल में स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बच्चों के ट्रिप्स अरेंज करने चाहिए। और ये पैकेजिंग है ना जी? जी बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग। द अदर वेरी गुड म्यूजियम इज़ द आर्मी म्यूजियम। उसमें भी थ्रू डिफरेंट प्रॉप्स, थ्रू मॉडल्स, थ्रू होलोग्राम्स, थ्रू सिमुलेशंस, हमें बहुत अच्छे तरीके से वो आज़ादी इंडिपेंडेंस तक लेके आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह से कहते हैं ना जी, व्हाट आई हेयर आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेंबर, बट व्हाट आई डू आई लर्न। तो इस किस्म की हम अगर कुछ कोशिश कर सकें तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग द यूथ इन दिस डायरेक्शन। इंशाल्लाह हमें यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लेना होगा। एक छोटे से वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा इसी गुफ्तगू को जारी करेंगे।